सचिन जी यीशु की, पिछले 5 दिन हमने आनंद के भेद पर मनन चिंतन किया था। आज से 5 दिन हम लोग दुख भोग यानी दुख के भेद का मनन चिंतन करेंगे, और जिसमें आज हम विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु का गेत्सेमनी बाग या गेत्सेमनी गार्डन में प्राण पीड़ा। जी हाँ साथियों, बाइबल में हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26:36 से लेकर 46 तक, और साथ ही हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22:29 से लेकर के 48 तक, जहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए एकांत में गेत्सेमनी गार्डन में या बगीचे में जाते हैं। जब ये प्रार्थना करते हैं, वो पाते हैं कि उनके शिष्य गहरी नींद में हैं, प्रभु दुख से व्याकुल हैं, लेकिन उनके प्रिय शिष्य जिनके साथ में वे गए थे, ये सोचकर कि वो उनके साथ में होंगे, लेकिन वे सो जाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, क्या कुछ घंटे भी तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते? क्या कुछ समय तुम मेरे साथ में नहीं बिता सकते? मेरा समय आ गया है जब मैं पकड़वाया जाऊंगा और मार दिया जाऊंगा। प्रभु यीशु बड़े दुख और व्याकुल हृदय से प्रेरितों को बताते हैं कि उनकी अंतिम घड़ी आ गई है। जी हाँ साथियों, जब हम इस बात का मनन चिंतन करते हैं, प्रभु आह्वान करते हैं हमारे मन परिवर्तन का भी। शिष्यों का उस समय जो मन था, वे सोच रहे थे शायद प्रभु एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु की वो बात को नहीं समझ पाए कि प्रभु चाहते थे कि वो उनके साथ में रात बिताएं। हम भी कई बार अपने प्रभु को अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारे जीवन में वो साथ है, वो सदा तत्पर है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने ही कमजोरी के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं। तभी प्रभु हमें याद दिलाते हैं, क्या कुछ समय भी हम प्रभु के साथ में नहीं रह सकते हैं? आइए हम मध्यस्थता माँ मरियम के लेते हुए उस पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ में रहे। हम उन लोगों के मन परिवर्तन की प्रार्थना करें जिन्होंने प्रभु को त्याग दिया है, या उन उड़ा पुत्रों को हम प्रभु के पास में लेके आए जो प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, और हम अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में मजबूत हों। आइए हम प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद दयालु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी खातिर हमारे पापों के लिए पश्चाताप का बलिदान क्रूस पर एक बार चढ़ाया। हम वही बलिदान हर दिन चढ़ाते हैं और भाग लेते हैं प्रभु, लेकिन हमारा मन अभी तक भी पूर्ण रूप से परिवर्तित न होकर हम तुझसे दूर होते जा रहे हैं। हे माँ मरियम, अपने पुत्र से हमारे लिए कृपाएँ दिला दे कि हम अपना मन परिवर्तन कर उसकी ओर आगे बढ़ते जाएं, उसके बताए मार्ग पर चलते जाएं, और दूसरों को भी अपनी संगति द्वारा उस यीशु के सत्य मार्ग और जीवन में परिवर्तित करने की कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारी माँ ये प्रार्थना सुन और अपने पुत्र से हमें ये कृपा दिला दे। आमीन।